सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो मुझे पता है भाई, बहुत टाइम बाद जो ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लो, आपको मैं इतना जबरदस्त ग्राफिक मोडपैक देने वाला हूँ कि आप सभी का जो है ना दिल खुश हो जाए। तो यार बिना देर करे मैं तुम्हें आज पूरा गेम प्ले दिखाता हूँ अपने मोडपैक का। तो बेसिकली मैं जो भी मोडपैक क्रिएट करूंगा आपको उसका गेम प्ले जरूर दिखाऊंगा, साथ में साथ खुद ही खेल के लाइक। तो सबसे पहले जैसे आप अपने गेम को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको दिख जाएगा भाई कि इसके अंदर जो मैंने मैपिंग करी हुई है वो सारी आपको इसके अंदर दिख जाएगी। आपको एक यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी जो है देखने के लिए मिल जाता है, जो कि GTA 5 में भी यूज़ होता है। उसके बाद आप यहाँ पे जो आप आपका गेम स्टार्ट होता है उसकी जो स्टार्टिंग में जो आपको टेक्सचर देखने मिलते हैं सारे भाई न्यू टेक्सचर होने वाले हैं। सारे मैंने टेक्सचर को भाई खुद से क्रिएट करा, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग और रियलिस्टिक जो देखने के लगते हैं। उसके बाद भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़, आप इसके अंदर हुड को देख रहे होंगे, तो हुड को मैंने 5mm वाली हुड इसके अंदर इंस्टॉल करी है। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जो हुड के अंदर जो आपको नीचे के ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो सारे थोड़े से बड़े लग रहे हैं। तो वैसे तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इनको चाहो तो खुद से छोटा या बड़ा दोनों कर सकते हो। करना कैसे, आपको अपनी सिलियो को ओपन करना है, रेडार फिक्स पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। अब एक चीज़ और बता दूँ, जो कंट्रोल्स है ना आपको पूरे डेफिनेटिव एडिशन वाले कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, जो कि सुपर भाई एकदम एक नंबर जो है टेक्सचर ये लगता है, एक नंबर जो कंट्रोल्स है लगते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस का बटन दिख जाएगा, इससे आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको इसके हुड के पास ऐसे यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। मैं तो इस चीज़ इस मॉड के फीचर्स आपको बता रहा हूँ, आपको करना ही नहीं करना, सब आपके ऊपर है। तो आप इसको ऐसे एडजस्ट जो है कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप राइट का ऑप्शन मिलेगा, इसे उस टैप करके तो वो एडजस्ट हो जाएंगे, जो कि भाई बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है मुझे तो। उसके बाद आपको इसके अंदर जो है अपनी जो व्हीकल्स को स्पॉन कर सकते हो। मैं इसके अंदर काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग जो व्हीकल्स को ऐड करा है, साथ में मैं आपको दिखाता हूँ भी। इसमें आपको भाई इसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी व्हीकल्स जो देखने के लिए मिल जाएगी। तो भाई तुम क्वालिटी चेक करो, कितने मतलब अमेजिंग रिफ्लेक्शन भाई तुम्हें इसके अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये इन्फिनिटी है भाई, जिसके भाई टेक्सचर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ठोक दी मैंने। तो जैसे ही तुम इधर की साइड आओगे तुम्हें यहाँ के भी जितने भी टेक्सचर हैं सारे के सारे रिप्लेस हुए मिल जाएंगे। तो टेक्सचर की कमी तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगी, आप लोगों को भाई पूरा मज़ा आ जाएगा। और सिर्फ टेक्सचर ही नहीं, इसके अंदर आपको जो वेजिटेशन देखने के लिए मिलते हैं ये भी मैं आपको एक बार चेकआउट करा देता हूँ। ये देखो इसके अंदर सारी जो वेजिटेशन है ना सारी भाई रिप्लेस करी हुई है एकदम, इतनी अच्छी और रियलिस्टिक आपको इसके अंदर वेजिटेशन देखने के लिए जो मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा और पास से दिखा देता हूँ। तो यार देख सकते हो कितनी अमेजिंग और रियलिस्टिक इसके अंदर आपको जो वेजिटेशन देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको एक बहुत अच्छी फील आएगी इस मोड पैक के अंदर। अब देखो ये गेम अभी लैग हो सकता है, वो इस वजह से होगा तो क्योंकि मैं इसके अंदर साथ साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब एक डिवाइस भाई इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ें को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए आपको इसके अंदर थोड़ा बहुत लैग देखने मिल सकता है, बाकी भाई इसके अंदर कोई लैग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके अंदर भाई तुम लोग रोड के टेक्सचर भी देख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे और एकदम न्यू टेक्सचर है जो मैंने अभी तक यूज़ करे हैं। अब यार आप इसके अंदर रिफ्लेक्शन देखो यार, कितने प्यारे रिफ्लेक्शन। मैं सच बता रहा हूँ, वीडियो में तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। इसको मोड पैक को डाउनलोड करोगे ना अपने डिवाइस के अंदर, मोबाइल के अंदर, तो मैं समझ में आ जाएगा भाई पूरा का पूरा सीन के कितने ज़बरदस्त के अंदर रिफ्लेक्शन मैंने ऐड करे। उसके बाद भाई ये रही अपनी ग्रूव स्ट्रीट, ग्रूव स्ट्रीट के अंदर पूरी मैपिंग हो रखी है। तुम्हें इसके अंदर जो न्यून ट्रीज जो देखने के लिए मिल जाएंगे, पाम ट्रीज जिसको बोलते हैं, जो कि भाई बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। अब इसमें तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो स्काई बॉक्स ये भी एकदम स्काई बॉक्स न्यू है। तो इसके अंदर तुम्हें मैं और दिखा देता हूँ कौन कौन से स्काई बॉक्स तुम्हें इसके अंदर देखने के मिलते हैं। अब जैसे अगर मैं फास्ट वेदर कर लेता हूँ, तो अभी देखो अभी वेदर अपना चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें स्काई बॉक्स का भी आइडिया लग जाएगा। तो शाम हो गई है भाई, शाम का स्काई बॉक्स भी देखो कितना प्यारा लगता है, और ये रात हो गई है, रात का स्काई बॉक्स भी, तो रात लंबी होती है। तो ये सुबह 6 बजे का और उसके बाद ये वापस से 7 बजे का स्काई बॉक्स भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारा आपको स्काई बॉक्स के अंदर देखने मिलता है, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। अब इसका जो टाइम साइक और कलर साइक है ना, वो भी भाई इतना ब्यूटीफुल है कि तुम देख सकते हो इसमें तुम्हें सारे कलर बहुत अच्छे मिलते हैं, हर चीज़ चीज़ देखने के लिए बहुत अच्छी मिलती है। तो अब मैं तुम्हें और कार जो इसके अंदर दिखा देता हूँ, इसके अंदर आपको कितनी तरह की जो व्हीकल्स देखने मिलती है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि व्हीकल स्पॉनर को ही यूज़ किया करो, कार स्पॉन को यूज़ मत किया करो, क्योंकि व्हीकल स्पॉन से कम क्रैश होने के चांसेस होते हैं, कार स्पॉनर से ज़्यादा होते हैं। तो कार्स में आओगे तो यहाँ पर तुम्हें एडमिरल, एल्फा और ये सब जो व्हीकल्स यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। मैंने ज़्यादा व्हीकल्स को इसमें ऐड नहीं करा है, क्योंकि फिर उससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब होता है और आपका गेम लैग भी होता है, इसलिए मैंने कम व्हीकल्स को ऐड करा है, ताकि आपका जो गेम है ना पूरा मेंटेन रहे। आपको GTA San Andreas की ओरिजिनल व्हीकल्स भी देखने के लिए मिल जाएंगी, और आपको सुपर कार्स भी जो इसके अंदर देखने के मिल जाएगी। तो फुल टू मज़ा हो जाएगा भाई तुम्हारे लिए, तो इसको ज़रूर ट्राई करना। अब जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ और भी व्हीकल्स इसके अंदर दूसरी, तो ये है भाई अपनी निसान GTR, जो कि मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कार है। स्काईलाइन GTR बोलते हैं इसको, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है ये व्हीकल। तो तुम देख सकते हो भाई, इसके टेक्सचर भी देख सकते हो, इसका रिफ्लेक्शन भी देख सकते हो, और इसका साउंड भी चेकआउट कर सकते हो यार, कितना मस्त साउंड इसका लगता है।
तुम लोग यहाँ भी चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे भी जो मैपिंग करी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। भाई मज़ा ही आ गया यार इस मोड पैक को बनाने में। मुझे इस मोड पैक को बनाने में टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन यार आप लोगों के लिए तो इतना करना चल बनता ही है। और तुम्हें इस मोड के अंदर एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ, पहले मैं व्हीकल सिलेक्ट करता हूँ। तुम लोग अभी कार्स के ऊपर ना रिफ्लेक्शंस देख रहे होंगे कितने सही लग रहे हैं, लेकिन ये पूरे के पूरे चेंज हो जाएंगे अगर तुम सॉरी तुम अगर इस पर रेन वेदर सिलेक्ट करोगे तो। भाई अभी देखो भाई क्या सॉलिड रिफ्लेक्शंस हैं भाई, ये देखो एकदम रियलिस्टिक रिफ्लेक्शन इसके अंदर हो गए। मैं अभी तुम्हें कोई दूसरी गाड़ी पे भी दिखाता हूँ, उस पर भी कितने सॉलिड लगेंगे। लुक एट दिस रिफ्लेक्शंस मैन, यार कितने सॉलिड रिफ्लेक्शंस हैं यार, ये चेकआउट करो। अभी देखो मैं इस व्हीकल का कलर चेंज करता हूँ, ये करता हूँ रेड, और अब चेकआउट करो भाई क्या सॉलिड रिफ्लेक्शंस हैं। तुम्हें वीडियो में शायद समझ में ना आए इतने, तो तुम गेम के अंदर खुद जाके चेकआउट करना। जब तुम रेन वेदर को सिलेक्ट करते हो ना तो उसके अंदर रिफ्लेक्शन देखो भाई, कितने सॉलिड रिफ्लेक्शन इसके अंदर देखने के लिए मिलते हैं तुम्हें। चेकआउट दिस रिफ्लेक्शन यार। और एक चीज़ तुम और नोटिस करो, जब बारिश होती है ना तभी तुम्हें रोड पे पानी देखने मिलता है, जिससे जो स्प्लैश है वाटर स्प्लैश वो उसके अंदर आता है। ये चेकआउट करो। और भाई साउंड देखो यार गाड़ी के, क्या मस्त साउंड आ रहे हैं। ये देखो भाई क्या ही रिफ्लेक्शन है यार, एक नंबर। उसके बाद अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका पूरा नाइट मोड, नाइट मोड दिखाता हूँ। अब जैसे मैं सीधा टाइम सेट कर देता हूँ, भाई साहब क्या ही मतलब रात में तो और भी तगड़े रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। अब मैं तुम्हें इसके अंदर दिखा देता हूँ वेपन्स। अब मैंने इसके अंदर बेसिकली वेपन्स को भी चेंज करा है, तो वेपन्स भी तुम्हें दिखा देता हूँ इसके अंदर। अब बहुत लोगों को इसके अंदर वेपन सेलेक्ट करने नहीं आते, तो मैं सिंपली अपनी क्लियर खोलनी है, और यहाँ पर तुम्हें मिलेगा मेन्यू वेपन। तुम्हें मेन्यू वेपन पर टैप करना, और यहाँ पर भाई तुम्हारे सारे ही वेपन्स जो है आ जाएंगे। तुम जो जो वेपन को सिलेक्ट करोगे ना वो तुम्हारी उसमें हुड में आ जाएगा। ये क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखो। और सभी वेपन्स के टेक्सचर को जो है ना मैंने चेंज किया हुआ है। अभी एक सेकेंड रुको, मैं तुम्हें दिन में दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई अपने सारे वेपन्स के टेक्सचर तुम्हें HD क्वालिटी के मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और कूल लगते हैं। तुम सिंपली अपना मज़े ले सकते हो भाई। भाई इनको मारने में क्या ही मज़ा आता है। अब मैं तुम्हें और भी जगह जाके दूसरे सिटी में भी जाके दिखाता हूँ कि भाई वहाँ पे भी कितने अच्छे आपको टेक्सचर रिफ्लेक्शन देखने के मिलते हैं। बेसिकली हम चलते हैं कसिनो पे, आई थिंक यही होगी लोकेशन। तो बहुत से लोग भाई मुझसे पूछते भी हैं कसिनो की लोकेशन क्या है, तो भाई कसिनो की लोकेशन ये है, कसिनो की लोकेशन ये वाली है। अब देख लो यहाँ पे मेरा मार्क है ना, ये है कसिनो की लोकेशन। तो तुम यहाँ पे अपने सिंपली मार्क लगाओ और टेलीपोर्ट हो जाओ विदाउट क्रैश। तो ये रहा अपना कसिनो, और यहाँ पे भाई आके ना चीट हटा लेना, मतलब नो वांटेड का चीट लगा लेना, वरना पुलिस छोड़ेगी नहीं तुम्हें। नॉट वांटेड सेट करो, उसके बाद अब यहाँ पे कर दो रात सीधा। ये देखो भाई अपने ग्राफिक्स, अपना गेम कितना प्यारा लग रहा है यार रात। अच्छा अगर तुम ये हुड ऑफ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, सिंपली यहाँ से ऑफ हुड पे करना, तुम्हारी हुड पूरी गायब हो जाएगी, सिर्फ कंट्रोल्स रह जाएंगे। बेसिकली मैं ज़्यादातर वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद भाई भाई इसके ऊपर रिफ्लेक्शन देखो, पुलिस की गाड़ी पे क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है। मैं इससे छीनूंगा नहीं, हम अपनी गाड़ी लेंगे पुलिस। तो भाई हमने ले ली अपनी पोश, और सबसे पहले भाई इसका कलर मैं जो है चेंज करता हूँ। मैं इसको कलर देता हूँ कोई बढ़िया सा रेडी दे देता हूँ, रेडी पसंद। तो चेकआउट करो भाई अपने ग्राफिक्स कितने मस्त लग रहे हैं। भाई साउंड चेक करो यार गाड़ी का, क्या सॉलिड साउंड है। तुम नाइट लाइट देख सकते हो यार, नाइट के अंदर कितने प्यारे जो है ये रिफ्लेक्शंस और गाड़ी लग रही है अपनी। ये देखो क्या ही सॉलिड रिफ्लेक्शंस हैं यार, एक नंबर। अब इसमें यहाँ पे तुम अगर वापस से वेदर को चेंज करोगे ना, रेनी वेदर, अब चेकआउट करो भाई रिफ्लेक्शंस में और चार चांद लग गए हैं। अब तो भाई एक नंबर लग रहा है। और देखो बारिश होगी ना तो गाड़ी को चलाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया, गाड़ी स्लिप हो रही है भाई अपनी पानी में। भाई एक नंबर ग्राफिक्स हैं, तो इसको तुम मोड पैक को ज़रूर जाके चेकआउट करना, ज़रूर ट्राई करना। अब मैं एक चीज़ तुम्हें पहले ही बता दूं कि यार देखो हो सकता है ये हर किसी के डिवाइस के अंदर ना चले, क्रैश की प्रॉब्लम आए। बेसिकली मैंने इस
मैंने इस मोड पैक को एंड्रॉइड 13 के ऊपर बनाया है बिना किसी दिक्कत के, मेरे डिवाइस में चलता है, मस्त चलता है, मक्खन चलता, कोई दिक्कत नहीं आती। तो तुम इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो, हो सकता है तुम्हारे कुछ डिवाइस के अंदर भाई क्रैश हो, नहीं चले, तो मुझे तुम इंस्टाग्राम पर आके बताना तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सॉल्व हो जाए। अभी तुम यार बस रिफ्लेक्शंस चेक करो भाई, अगर देखो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ पे लाइटिंग के नीचे लाता हूँ ना, तो और तगड़े रिफ्लेक्शंस लगेंगे। ये देखो भाई अपने रिफ्लेक्शंस, तो बेसिकली यार तुम्हें इसमें बहुत डिफरेंट तरह की जो व्हीकल्स मिल जाती है, तुम्हें ओरिजिनल व्हीकल्स ही मिल जाती है जो गेम के अंदर होती है। बेसिकली यार बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि जो गेम की व्हीकल्स हैं वो भी वो रिमूव मत किया करो, तो तुम्हें इसके अंदर भाई सभी तरह की मिक्स जो व्हीकल्स देखने के लिए मिल जाएगी। भाई दिन करते हैं सुबह, सुबह के 12 बजे आते हैं। ओके तो अपना दिन हो गया ब्राइट, माई फेवरेट कलर रेड, एंड लेट्स गो। तुम्हें इस मोड पैक के अंदर सच में मज़ा जो है बिल्कुल आने वाला है, तो बिना देर करे इस मोड पैक को जाके चेकआउट करो, और जल्दी से जाके अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे करके बताओ कि ये मोड पैक तुम्हें कैसा लगा, और शेयर कर देना यार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में, सबके साथ शेयर कर दो ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए बेसिकली। तो आई होप यार आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले इस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, सी यू गाइस। GTA San Andreas modded to the racks. Official indie gamer, he's got all the hacks. Creating graphics, making it look so dope. His YouTube channel's where you gotta go, yeah. He's the king of the modding scene. Hitting new levels, living the gaming dream. Through his videos, he's taking us on a ride. With every new mod, we're feeling